सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर जिसका नाम है गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो दोस्तों, आज के वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे सभी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एम्स एग्ज़ाम में अपियर हुए थे और उन्होंने सक्सेसफुली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया। और ये वीडियो हम एक स्पेशल सीरीज़ के तहत आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि मुझे कई सारे मीडियम के थ्रू लोगों ने कई सारे सवाल पूछे और उनके अंदर काफ़ी सारे डाउट्स आ गए हैं, क्योंकि इस बार जो एम्स का काउंसलिंग प्रोसीजर होने वाला है वो थोड़ा सा यूनिक है। और इस बार का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है, फर्स्ट टाइम इंडिया में ये ऑनलाइन मोड से होने वाला है, तो लोगों के अंदर काफ़ी सारे डाउट्स और एनेक्सिटी है कि ये प्रोसीजर कैसे होंगे और ये इतने बड़े एग्ज़ाम है, इतनी मेहनत करने के बाद आपने इसे क्वालिफाई किया। और कई लोगों के मन में ये डाउट्स है कि इस तरीके के अगर प्रोसीजर में जो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई प्रोसीजर में जिसमें उन्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसे कैसे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इनके लिए लिमिटेड डेट और लिमिटेड टाइम फ्रेम आपको दिया जाएगा। तो अगर आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कई सारे लोगों ने मुझे कई सारे डाउट्स पूछे, जैसे कि कई सारे लोगों ने मुझे अपने रैंक्स और अपना रिज़ल्ट भी भेजा और मुझसे पूछा क्या उनके पास कोई चांस है कि वो कौन सा एम्स कॉलेज ले सकते हैं। कैटेगरी वाइज उन्होंने मुझे बताया कि इस कैटेगरी में क्या स्कोप है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। साथ ही साथ में मुझसे कई लोगों ने रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में भी पूछा। कई लोगों ने मेरे से ये भी पूछा कि इसमें EWS कोटा भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा फॉर द जनरल कैंडिडेचर। और मुझसे कई सारे लोगों ने और भी बहुत सारे तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो ये वीडियो मैंने उन सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, इंडिविजुअल आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एज एन कॉमन वीडियो बना दूं, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं और आप भी सक्सेसफुली अपने काउंसलिंग को कंडक्ट कर पाएँ और अपने ड्रीम कॉलेज को सबसे फर्स्ट ले पाएँ। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज को सबसे फर्स्ट ले पाएँ और आपको जो ब्रांच पसंद है अपने कॉलेज में वो आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिले। साथ ही साथ में ये वीडियो में हम स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन भी रख रहे हैं, जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म मीडिया के थ्रू उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास ऑफिशियल्स की तरफ से आई है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें जब आप इस प्रोसीजर के थ्रू गो थ्रू करें। साथ ही साथ में एम्स काउंसलिंग की फुल डिटेल एनालिसिस मैंने एक वीडियो में पहले ही बना करके रखी हुई है, आप जा करके उधर देख सकते हैं। अपने रिजल्ट की भी हमने वीडियो पहले ही अपलोड करके रखी है, आप उसको भी हमारे चैनल के ऊपर जा करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपको इस वीडियो में भी बताऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही साथ में ये जो वीडियो है इसमें हम आपको बेस्ट काउंसलिंग मीडियम के थ्रू आपको सब कुछ समझाएंगे कि कैसे करना है, कट ऑफ के बारे में सब कुछ बताएंगे, कैटेगरी डिटेल्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फीस के बारे में सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो अब बिना देरी के हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं सारी डिटेल्स के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन और नोटिफिकेशन बटन को हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोज़ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ जो कि हमारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होती हैं, ताकि आपसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन कभी मिस ना हो और साथ ही साथ में हमारी हर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले आपको। सो दोस्तों, बिना देरी के हुए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को जिसका नाम है गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स रिलेटेड टू योर एम्स एग्जाम 2019। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं इस एग्जाम से रिलेटेड। तो जो एम्स की जो काउंसलिंग होने वाली है 2019, एम्स न्यू दिल्ली विल बिगिन द काउंसलिंग प्रोसीजर सून, जो कि हो ही गई है। और फॉर द फर्स्ट टाइम द काउंसलिंग ऑफ द एम्स MBBS 2019 विल बी कंडक्टेड इन द ऑनलाइन मोड। तो ये पहली बार इंडिया में हो रहा है कि ये जो आपका एम्स की काउंसलिंग हो रही है 2019 की, ये अब तक ऑफलाइन मोड से चलती थी, लेकिन इस बार जो ये प्रोसीजर अपनाया गया है उसमें आपको ऑनलाइन मोड से करना है। तो इसलिए कई सारे लोगों के मन में कई सारे डाउट है, तो उसको हम आज लेकर के क्लियर करेंगे अपने इस सेशन में। तो देयर विल बी अ 4 राउंड ऑफ द काउंसलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द July 2nd टेंटेटिवली, एंड द ऑफिशियल शेड्यूल विल बी सून बी अपडेटेड ऑन द वेबसाइट दैट इज एम्स MBBS। सो यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से हमने ये जाना है कि जो काउंसलिंग प्रोसीजर जो कि आपका
टेंटेटिवली स्टार्ट होगा वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जो ऑफिशियल काउंसलिंग सेशन है। इससे पहले एक मॉक राउंड भी होगा, उसके बारे में भी हम आपको अभी अभी पूरी डिटेल देंगे आगे वीडियो में। तो जो आपका अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स हो जाएगा वो ऑलमोस्ट अराउंड 2 जुलाई से स्टार्ट होगा, और बाकी राउंड काउंसलिंग के भी अभी हम आपसे बात करते हैं आगे वीडियो में। और बाकी आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर जा करके सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी बहुत जल्दी से जल्दी। अब सबसे पहले तो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया है, ये जो एग्ज़ाम है ये 15 एम्स कॉलेज इन अ कंट्री जो हमारे आ रहे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, कई लोग मेरे से यही पूछ रहे थे कि हाउ मेनी एम्स कॉलेज आर पार्टिसिपेटिंग फॉर दिस एग्ज़ाम दैट इज़ 2019। तो सबसे पहले आंसर तो उनके लिए ये हो गया कि इस बार टोटल 15 एम्स कॉलेज हमारी कंट्री के पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के एडमिशन के लिए। तो ये आपका मुझे लगता है डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि कितने कॉलेज आ रहे हैं। अब साथ ही साथ में राउंड ऑफ काउंसलिंग्स की बात हो रही थी, साथ ही साथ में टोटल वैकेंसी कितनी है इसके ऊपर भी हम पहले बात करते हैं, तब आपको समझ आएगा कि आपको जो सीट अलॉट होने वाली है उसमें आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द फर्स्ट, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक जो काउंसलिंग होने जा रही है वो आपकी 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसमें से फर्स्ट 3 राउंड्स आपके नॉर्मल शेड्यूल्स चलेंगे, और साथ ही साथ में जो आपका 4th राउंड की काउंसलिंग होगी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एक ओपन राउंड या फिर उसको स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी बोली जाती है। उसके बारे में क्या प्रोसीजर होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ये भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये सवाल पूछे थे कि इन हाउ मेनी राउंड द काउंसलिंग ऑफ द 2019 एम्स विल बी गोइंग ऑन, देन द आंसर फॉर दैट इज देर आर विलिंग 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर विच इज़ बीइंग गोइंग ऑन फॉर द 2019 प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। सो 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, आंसर ये रहा आपका। साथ ही साथ में अब मुझसे कई लोगों ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि टोटल कितनी वैकेंसी है इस बार एम्स में और कितनी सीट्स के लिए ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराए गए हैं। तो इसका भी जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारे पास ऑफिशियल डिटेल्स आ रही है, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस बार जो एम्स की वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट अराउंड आई है हमारे पास 1207 सीट्स के लिए ये टेस्ट कंडक्ट कराए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपकी काउंसलिंग हो रही है वो 1207 सीट्स के लिए हो रही हैं। तो अब आप अपने रिजल्ट को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाकी और डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम परसेंटेज स्कोर के बारे में बात करते हैं। कई लोग एक्चुअल में जो आपका रिजल्ट आया होगा उसमें 2 तरीके की कैटेगरीज में रिजल्ट है। सबसे पहले तो आपको एक परसेंटेज स्कोर आया होगा और एक होता है परसेंटाइल स्कोर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या होगा, और ये क्वालिफाइंग जो परसेंटेज आया है ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आया है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जनरली जो इसमें कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी आती है, एक यू आर दैट इज़ फॉर द जनरल वन, ओबीसी दैट इज़ नॉन क्रीमी लेयर, एंड एससी एंड एसटी। तो ये 3 कैटेगरी इसमें आती है जो आपकी आपकी हो गई क्वालिफाइंग परसेंटेज। अब इनके लिए क्या क्या परसेंटेज एप्लीकेबल है उसके बारे में जानते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए क्वालिफाइंग परसेंटेज होगा 50%, और अगर मार्क्स में देखा जाए तो जो आउट ऑफ 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था उसमें 100 मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी है। साथ ही साथ में फॉर द ओबीसी दैट इज़ नॉन क्रिमिलियर उनके लिए हो जाएगा 45%, और मार्क्स जो आएगा वो होगा 200 आउट ऑफ 90 इज़ मैंडेटरी। फॉर एसटी द परसेंटेज विल बी द 40% एंड द मार्क्स विल बी 80 आउट ऑफ 200। तो मुझे लगता है मार्क्स रिलेटेड और परसेंटेज रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं आपके परसेंटाइल स्कोर के बारे में बात करते हैं। तो अब ये आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि उन्होंने अपने मेरे पास रिजल्ट कार्ड भी भेजे मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पे, कई लोगों ने मुझे
कमेंट भी किया, वीडियोस के थ्रू भी उन्होंने मुझे कई सारे मतलब ये सवाल पूछे कि उनका पर्सनल रैंक कितना है, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या उनको कोई कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। तो ऐसे इंडिविजुअली मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है कौन सा नहीं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक जनरल परसेप्शन मैं बना दूँ, तो जिससे आपको ये एक पता चल जाए कि आपको कोई कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। तो अब मैं आपको परसेंटाइल स्कोर के बारे में बात करता हूँ, और इसके बारे में आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें जो हमारे पास कैटेगरीज हैं वो बढ़ जाती हैं, और इस बार हमने देखा है कई सारी कैटेगरीज हैं। तो जनरली जो कैटेगरी हैं उसके वाइज मैं आपको परसेंटाइल एलिजिबिलिटी बताता हूँ, फिर ओवरऑल रैंक भी बताता हूँ कि अगर आपकी रैंक उसके अंदर है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आपकी काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो UR यानी जनरल कैटेगरी आती है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो इस बार परसेंटाइल एलिजिबिलिटी रखी गई है वो रखी गई है 99.315787, यानी अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। एक होता है, कई लोग मेरे से पूछे कि वी आर क्वालिफाइड, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो 50% है, पर वो सिर्फ क्वालिफाइंग परसेंटेज है जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है, और जो आपका सिलेक्शन होगा वो मैक्सिमम अटेंड मार्क्स के हिसाब से होगा। तो जो आपसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जो अभी तक की कट ऑफ रखी गई है उसके हिसाब से जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 99.315287 है, और ओवरऑल रैंक जो ली गई है वो 2340 ली गई है, और आपकी कैटेगरी तो यही रहेगी, तो आपकी 2340। तो जिन भी जनरल कैंडिडेट की रैंक 2340 तक आती है वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे और उनको एक अच्छा एम्स कॉलेज मिल सकता है। साथ ही साथ में अब हम बात करने जा रहे हैं URPWBD। इस कैटेगरी के थ्रू जो आपकी परसेंटाइल एलिजिबिलिटी है वो है 95.3948306%, यानी ओवरऑल रैंकिंग अगर आपकी रहती है 15,863 से कम, और आपकी कैटेगरी रैंक भी यही है 15,863, अगर इसके नीचे आपकी रैंक रहती है तो फिर आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। अगर आप इससे पहले रैंक लाए हुए हैं यानी आपकी रैंक 15,863 तक है तो आपको एक अच्छा एम्स कॉलेज मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं OBC कैंडिडेट्स के बारे में। तो जो OBC NCL है यानी जो उनकी परसेंटाइल एलिजिबिलिटी है वो रखी गई है 98.7410432, और इनकी जो ओवरऑल रैंक है इनमें दो स्लैब्स रखे गए हैं। तो जो ओवरऑल रैंक आपकी है, ये ओवरऑल रैंक मैं जो बता रहा हूँ ये ऑल ओवर इंडिया की है, और जो कैटेगरी रैंक है वो आपका रिजर्वेशन लगने के बाद उसके अंदर होनी चाहिए तब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल। तो जो ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया रैंक है आपके लिए वो हो गई 4312, अगर इसके अंदर आपकी रैंक है, और कैटेगरी रैंक में आपका आता है 1240 से कम, तो फिर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अब OBC NCL दैट इज़ PWBD, इस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ परसेंटेज है वो है 90%, एंड जो आपका ओवरऑल रैंकिंग है वो ऑल ओवर इंडिया में होनी चाहिए कम 32,709 से, और कैटेगरी रैंक जो आपकी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए 12,356 से। तो अगर इसके अंदर आपकी रैंक आती है तो आपको भी एक अच्छा एम्स कॉलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं SC कैंडिडेट्स के बारे में। तो इनकी जो परसेंटेज रखी गई है वो रखी गई है ऑलमोस्ट 92%। तो अगर आपकी रैंक आती है 26,850 ऑल ओवर इंडिया रैंक, इससे कम आती है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और साथ ही साथ में जो आपकी कैटेगरी रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 688 से कम, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं PWBD SC, इस कैटेगरी के लिए जो परसेंटाइल रखा गया है वो है 86%, और इसमें जो ओवरऑल इंडिया में रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 47,809, और जो ओवरऑल कैटेगरी रैंक होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए 1856 से, तो आपको एक अच्छा एम्स कॉलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं ST कैंडिडेट्स के बारे में। तो इनके लिए जो रखा गया है हमारे पास परसेंटेज जो आया है ऑफिशियल की तरफ से वो है 90%, और इनके लिए जो रैंक रखी गई है वो है 33,190
ओवरऑल इंडिया रैंक, और जो कैटेगरी रैंक है वो उनकी कम होनी चाहिए 216 से, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो ये थी डिटेल्स रिलेटेड टू आपके कैटेगरी वाइज और रिजर्वेशन अप्लाई करने के बाद, और साथ ही साथ में ओवरऑल इंडिया आपकी कितनी रैंक किसके कम होनी चाहिए, तब आप ये मान सकते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो मुझे लगता है अब आपका जो इंडिविजुअल क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन थे वो अब क्लियर हो जाएंगे। अब मेरे से कई लोगों ने ये पूछा कि इतने सिर्फ 1207 सीट के लिए ये काउंसलिंग कराई जा रही है और रैंक इन्होंने 4000 और 5000 32000 तक ले लिए, तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, तो कितने लोग सेलेक्ट होंगे उस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए? तो इसके बारे में जो डिटेल हमारे पास आई है उसमें इस बार के प्रोसीजर के थ्रू क्या किया जा रहा है कि जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उससे 4 टाइम्स स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जा रहा है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले आप इतना मान लीजिए कि यानी अगर हमारे पास 1207 सीट्स अवेलेबल हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट मीन्स अराउंड 4 to 4.5 thousand स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग फॉर द एम्स 2019। और इन्हीं में अलग अलग राउंड के लिए काउंसलिंग की जाएगी और रीएलोकेशन ऑफ द सीट्स की जाएगी, जिसके बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात हो गई, मैंने आपको कट ऑफ के बारे में पूरी डिटेल्स दे दी इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग और उनकी डेट से रिलेटेड। तो कई लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा कि कितने राउंड में काउंसलिंग होगी, जिसको मैंने आपको बता दिया कि ये अराउंड 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसमें 3 राउंड आपके नॉर्मल काउंसलिंग होगी और 4th राउंड अगर ज़रूरत पड़ी तो एक स्पॉट या ओपन राउंड काउंसलिंग होगी। तो जो फर्स्ट 3 राउंड काउंसलिंग होगी, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट 3 राउंड काउंसलिंग होगी उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ वही सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अगर चाहे तो पार्ट ले सकते हैं। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट राउंड के लिए नंबर ऑफ अवेलेबल सीट से 4 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाएगा जो पार्ट ले सकते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। तो यानी आप सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग तक भी जा सकते हैं, लेकिन जो लोग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है वो सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये कई लोगों ने मुझसे डाउट पूछा था कि अगर वो फर्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं है तो क्या वो सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं पाया है अपने आप को। तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी वो स्टार्ट हो रही है July 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कई सारे प्रोसीजर्स चलेंगे, तो आप ऑफिशियल्स वेबसाइट पे जा करके भी देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। एम्स की जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी वो आपकी August 2 से स्टार्ट होगी, और एम्स की जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी वो September 3, 2019 को स्टार्ट होगी। और उसके बाद जो ओपन राउंड काउंसलिंग होगी यानी जो 4th राउंड की काउंसलिंग होगी वो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स के अवेलेबिलिटी के हिसाब से काउंसलिंग की जाएगी, और उसमें सारे क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स बचेगी वो हमारी कहलाती है ओपन राउंड काउंसलिंग या स्पॉट राउंड काउंसलिंग। उस काउंसलिंग के लिए सारे जितने भी लोग एलिजिबल हैं, यानी जिन्होंने मैंने आपको बताया था ना वो 50% से ऊपर फॉर जनरल कैटेगरीज, 45 फॉर OBC एंड 40 फॉर SC एंड ST, तो वो सभी कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट लिस्ट दे आर एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड काउंसलिंग एंड फॉर द अवेलेबल कोर्स। तो वो सभी लोग एलिजिबल होंगे जो कि 4th राउंड की काउंसलिंग होगी, उसमें आप सभी एलिजिबल हैं जो जिन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया है विद द मिनिमम स्कोर्स, तो उसमें भी मेरिट वाइज ही बच्चों को लिया जाएगा। तो मेरे को लगता है अब आपको काउंसलिंग रिलेटेड सारे इश्यूज सॉल्व हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें मेरे से कई लोगों ने पूछा कि कौन सा इंस्टीट्यूट मिल सकता है, कौन सा इंस्टीट्यूट हमें लेना चाहिए। तो वैसे तो एम्स के सारे इंस्टीट्यूट ही बहुत अच्छे हैं, तो मैं अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि कौन कौन से एम्स इंस्टीट्यूट पार्ट ले रहे हैं विद जनरल OBC SC ST PWD, और इस
कैटेगरी वाइज भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी इस बार, कौन सा एम्स कॉलेज भी कौन कौन सी कितनी कैटेगरीज को कितनी सीट्स एलोकेट कर रहा है, तो मैं सीट वाइज आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली की बात करते हैं, तो एम्स न्यू दिल्ली में टोटल इस बार 107 सीट्स के लिए ये टेस्ट कंडक्ट कराया गया है, और इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है वो 51 सीट्स हैं, ओबीसीज के लिए 27 सीट्स हैं, एससी एंड एसटी के लिए 15 सीट्स हैं, एसटी के लिए 8 सीट्स हैं, और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% ऑफ द टोटल सीट्स हो जाएंगी, और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 7 सीट्स हैं। एम्स भोपाल की बात करते हैं, तो एम्स भोपाल के लिए 51 सीट्स फॉर द जनरल, 27 सीट्स फॉर द ओबीसी, 15 सीट्स फॉर एससी एंड एसटी, 8 सीट्स फॉर एसटी एंड 5% फॉर द पीडब्ल्यूडी, टोटल 100 सीट्स। एंड एम्स भुवनेश्वर में आपका सेम ही है, दैट इज़ 51 फॉर द जनरल, 27 फॉर द ओबीसी, एससी एंड एसटी 15 एंड एसटी योर 8 एंड पीडब्ल्यूडी 5%, टोटल 100 सीट्स। एम्स गुंतूर के बारे में हम बात करें तो वो आपका आता है 51 सीट्स फॉर द जनरल, 27 सीट्स फॉर द ओबीसी, 51 सीट्स जो है वो जनरल के लिए रखी गई हैं, और ओबीसी के लिए 27 ही हैं, और एससी के लिए जो रखी है 15 सीट्स रखी हैं, और एसटी के लिए 8 सीट्स रखी हैं, और आपका पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीट्स रखी है, टोटल 100 है। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स पटना और एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, ये सभी की सीट्स जो है वो सेम है। अब बात कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है, वो है आपका यहाँ पे बात करने पे एम्स भटिंडा। एम्स भटिंडा में टोटल जनरल के लिए जो सीट्स है वो है 24 सीट्स, फॉर ओबीसीज के लिए 14 सीट्स हैं, फॉर एससी के लिए रखी गई हैं 8 सीट, और एसटी के लिए रखी गई हैं 4 सीट्स, और 5% फॉर पीडब्ल्यूडी, टोटल सीट्स जो हैं वो 50 है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली है एम्स भटिंडा के लिए। सेम प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है अब एम्स गोरखपुर के लिए, एम्स कल्याणी के लिए, एम्स रायबरेली के लिए और एम्स देवगढ़ के लिए भी सेम नंबर ऑफ सीट्स रखी गई हैं। अब जहाँ पे चेंज आया है वो है एम्स तेलंगाना में। एम्स तेलंगाना में क्या है, आपकी जनरल के लिए 26 सीट्स हैं, फॉर ओबीसीज के लिए 13 सीट है, फॉर एससी के लिए 7 सीट्स हैं एंड एसटी के लिए 4 सीट्स हैं, और टोटल 5% सीट्स फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, टोटल सीट्स 50। तो ये थे सभी एम्स जो 15 एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस काउंसलिंग के लिए, उनमें किस कैटेगरी वाइज कौन सी सीट्स अवेलेबल है कितनी, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल की। तो जो ओवरऑल सम करने के बाद आ रहा है वो ये आ रहा है कि टोटल जनरल सीट्स फॉर एम्स के अंदर हैं वो 600 हैं, फॉर ओबीसीज के लिए आपकी 321 है, फॉर एससी के लिए 180 है, और फॉर एसटी के लिए आपकी हो जाएगी 96, और जो आपकी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हो जाएंगे उनके लिए हो जाएगा 5%, और नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगी 7 सीट्स, और टोटल सीट्स जो आती है सम करने के बाद, सब क्लब करने के बाद वो आती है 1207। तो ये आपकी 1207 सीट्स हो गई। अब थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड, जो क्योंकि ये पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है तो इससे रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बता देता हूँ। तो कई लोगों ने मुझे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल साइट पे विज़िट करना है एम्स की, और वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए। अब किस तरीके से आप जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक कुछ देर में एक्टिव हो चुका है, वो आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको वहाँ पे माय पेज में जाना है, अकाउंट एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट वाला जो पेज होता है उसको हम माय पेज बोलते हैं, उस पे जाना है, और उसके बाद अपने डिटेल्स को फिल करना है और अपने एप्लीकेशन को खोलना है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका एक्सरसाइजिंग चॉइस प्रेफरेंस। तो जैसे ही अभी ये मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होगा, यानी आपका जो मॉक टेस्ट का जो ये काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से काम करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉग इन टू द काउंसलिंग मॉड्यूल, सबसे पहले आपको ये करना है। देन कैंडिडेट हैव टू चूज देयर प्रेफरेंस ऑफ द एम्स इंस्टीट्यूट एंड रिकॉर्ड द सेम इन द पोर्टल। नाउ हेयर द कैंडिडेट कैन ऐड, डिलीट, रिकॉर्ड,
रिकॉर्डर देयर चॉइस विथ प्रेफरेंस, तो यहाँ पे ही आपको अवेलेबिलिटी होगी कि आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या रीऑर्डरिंग और शफल भी कर सकते हैं. पोस्ट दिस स्टेप सेव द चॉइस एंड लॉक इन एंड सबमिट द चॉइस. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने चॉइसेस को सेलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है. यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करने वाली वो क्या है, कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू मेक चेंजेस, न्यू एडिशन, रीऑर्डरिंग, डिलीटिंग एक्सेट्रा अनटिल द ऑनगोइंग एम्स MBBS काउंसलिंग राउंड विल कंक्लूड. तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो एलोकेटेड टाइम है उससे पहले आप फिर इसमें दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है. अब मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट से बारे में हम इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं. तो ये रहे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. एम्स MBBS मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी रिलीज इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग ओनली. तो जो आपका मॉक रिजल्ट होगा वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही आएगा. दिस इज़ डन टू गिव द आइडिया टू द कैंडिडेट्स अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर. इट ऑल्सो हेल्प टू इंडिकेट एज टू विच एम्स कॉलेज दे आर लाइकली टू बी एलोकेटेड एज पर देयर प्रेजेंट प्रेफरेंस. तो इस सीट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इस मॉक काउंसलिंग का आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं. किस तरीके से, सबसे पहले आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग और अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग अपने एम्स कॉलेजेस को सेलेक्ट करिए और मॉक राउंड में आप ये चेक करिए कि क्या आपको मॉक राउंड में वो कॉलेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं विथ योर प्रेफर्ड ब्रांच. अगर नहीं मिल रहे हैं या फिर अगर आपको मिल रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इन केस आपको नहीं मिल रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे कॉलेज से आप अपना कोई दूसरे ब्रांच से करें उसकी जगह पर जो आपको एलोकेट हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को चुनना चाहिए और रीऑर्डरिंग करनी चाहिए या फिर नए कॉलेजेस चुनने चाहिए जब आपकी रियल काउंसलिंग हो. तो इसके बाद जैसे ही ये रिजल्ट अलॉट होगा उसके बाद आपको एडिटिंग एंड फाइनल सबमिशन ऑफ द चॉइस का एक लिंक जनरेट हो जाएगा जो कि कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट होगा. उसमें आपको जाना है और अपने रीऑर्डरिंग करनी है और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उसको टच नहीं करना है. तो द विंडो विल बी एक्टिवेटेड फॉर द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो विंडो ओपन होगी वो एक लिमिटेड फ्रेम ऑफ पीरियड के लिए ही ओपन होगी. अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द सीट्स के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे. उन ऑप्शंस में से आपको वो चुनने होंगे. तो कौन सा ऑप्शन आपको चुनना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले तो एक तो होता है एक्टिवली रिफ्यूज़ल ऑफ़ द सीट्स. इस ऑप्शन के थ्रू क्या होगा कि अगर आपने काउंसलिंग में पार्ट लिया है और आपको जो सीट एलोकेट हुई है वो सीट आपको पसंद नहीं है या फिर जो आपको कोर्स मिला है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप सीधे सीधे रिफ्यूज़ कर दीजिए. ऐसे कैंडिडेट्स को वो सीट एलोकेट नहीं होगी और वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में सीधे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. और जो अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, वो होगा नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए द एक्सेप्ट द सीट्स एंड टेक एडमिशन. ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको अपने प्रेफर्ड ब्रांच में और प्रेफर्ड कॉलेज में अपनी पसंदीदा सीट मिल गई है और वो उस सीट से सेटिस्फाइड हैं, तो वो क्या करेंगे, उस सीट को एक्सेप्ट करेंगे और एडमिशन ले लेंगे और फर्दर राउंड की काउंसलिंग से उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उनके लिए वो सीट्स फिक्स हो जाएंगी. कुछ कैंडिडेट्स जो थोड़ा सेफ़र साइड जाना चाहते हैं, जो इस सीट को तो रखना चाहते हैं अपने पास और साथ ही साथ में और बेटर सीट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं सेकेंड राउंड के लिए, तो उनको क्या करना होगा, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो कि होगा होल्ड द अलॉटेड सीट एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सबसिक्वेंट काउंसलिंग राउंड. तो इस राउंड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास वो सीट रिजर्व रखी रहेगी और नेक्स्ट आपका बेटर चॉइस के लिए आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको चॉइस दिया जाएगा. तो हो सकता है आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो इससे आपकी ये वाली सीट रिजर्व रहेगी. अब एक ऑप्शन और रहता है जो कि है अगर इन तीनों में से आप कोई भी नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस क्या होगा कि नीदर रिपोर्ट टू द कॉलेज, रिफ्यूज एक्सेप्ट ऑफ द सीट एक्सेट्रा, देन सच कैंडिडेट विल बी रेंडर इन एलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड ऑफ द काउंसलिंग. तो यहाँ पे आपको कैंडिडेटर विदड्रॉ कर लिया जाएगा और आपको कोई सीट एलोकेट नहीं होगी. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चार प्रोसीजर
में से एक आपको चुनना है। अब इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आती है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई सीट एलोकेट होती है तो उसके बाद फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से अभी एक लिस्ट बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा एम्स MBBS एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको रखनी है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा एक कॉल अप लेटर इशूड बाय द एम्स न्यू दिल्ली। तो जैसे ही आपको सीट एलोकेट होगी आपको एक कॉल अप लेटर वहाँ पे इशू हो जाएगा। उसको आपको मैं बोलूँगा एक सॉफ्ट कॉपी भी रखिएगा अपने पास और साथ ही साथ में उसका एक प्रिंट आउट। नेक्स्ट आपको चाहिए प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। तो प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ में जो एलिजिबल सर्टिफिकेट है वो आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस इंडिकेटिंग द नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। इन दोनों में से आप कोई भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको और क्या चाहिए, सर्टिफिकेट मार्कशीट फ्रॉम द बोर्ड फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैव पास द 10+2 और द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग मोर देन 60% मार्क्स फॉर UR एंड OBC कैंडिडेट्स। सो आपको ये ध्यान रखना है। और एग्रीगेट सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जूलॉजी या बॉटनी होना चाहिए। और ये आपको ध्यान में रखना है। आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड लेकर के जाना है या फिर अपने स्कूल से। अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। साथ ही साथ में करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कम से कम 6 कॉपीज़ आपको लेकर के जाने हैं और 1 सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट, यानी ये जितने भी सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए इनका एक एक फ़ोटोकॉपी आपको और लेकर के जाना है। वो आपके अपने खुद के असिस्टेंट के लिए होगा। तो ये रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने पास रखने हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी अडॉप्टेड फॉर द एम्स MBBS एडमिशन। इन द काउंसलिंग प्रोसीजर सीट्स टू बी फिल्ड बाय द UR कॉम्पिटिशन वुड बी फिल्ड अप फर्स्ट वेन एवर द कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग बेस्ड ऑन द मेरिट अलोन रिस्पेक्टिवली ऑफ वेदर दे आर बिलोंगिंग टू UR, SC, ST और OBC। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि सबसे पहले जनरल सीट्स भरी जाएंगी, फिर आपका OBC सीट्स भरी जाएंगी, फिर SC, ST और फिर इस तरीके से PWD सीट्स भरी जाएंगी। तो सबसे पहले तो अनरिजर्व सीट्स भरी जाएंगी और उसके बाद फिर रिजर्व सीट्स भरी जाएंगी। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कई लोगों के मन में ये भी डाउट थे कि इन केस अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं तो फिर प्रेफरेंस किसको मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसमें प्रेफरेंस के लिए ये करना पड़ेगा कि अगर दो बच्चों का सेम परसेंटाइल है तो इन दैट केस जिसने ज़्यादा बायोलॉजी में एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर किया होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर बायोलॉजी में भी सेम मार्क्स होते हैं फिर केमिस्ट्री में आया जाएगा, और अगर उसमें भी सेम को ऑफ इंसिडेंस होता है तो फिर फिजिक्स में देखा जाएगा, और अगर इन सभी में सेम प्रेफरेंस आता है और सेम को ऑफ इंसिडेंस आता है तो फिर एज के हिसाब से देखा जाएगा, जो ओल्डर होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर द सेलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर सिक्योरिंग द सेम मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जाम। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा MBBS के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले तो इंडियन नेशनल्स जो हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो एकेडमिक ईयर फ़ीस होगा उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी आपकी 25 रुपीज़, कोटेशन मनी होगी 100 रुपीज़, ट्यूशन फ़ीस हो जाएगी आपकी 1350 रुपीज़ एंड लेबॉरेटरी फ़ीस हो जाएगी 90, स्टूडेंट यूनियन फ़ीस हो जाएगी 63 और जो आपका टोटल और बैलेंस बनेगा एकेडमिक फ़ीस का वो होगा 1628 रुपीज़ का। हॉस्टल फ़ीस की बात कर लेते हैं तो रेंट फ़ीस जो होगी वो आपकी हो जाएगी 990, जिम खाना फ़ीस हो जाएगी आपकी 220, पॉट फंड हो जाएगा 1320, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो जाएगा 198 और मेस सिक्योरिटी जो हो जाएगी आपकी 500 हो जाएगी और हॉस्टल सिक्योरिटी जो हो जाएगी वो होगी 1000। इसमें से मेस सिक्योरिटी और हॉस्टल सिक्योरिटी जो है वो रिफंडेबल अमाउंट है। तो जो टोटल अमाउंट आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ योर अराइवल वो होगा 4228 रुपीज़। तो ये थे इम्पॉर्टेंट मनी रिलेटेड क्राइटेरिया जो कि है इंडियन नेशनल्स के लिए। फॉर फॉरेन पीपल्स व्हाट दे हैव टू पे
दे हैव टू पे द ट्यूशन फीस ऑफ अराउंड $75,000 विच इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर द प्री क्लिनिक फेज एंड पैरा क्लिनिक फेज एंड द क्लिनिकल फेज ऑफ MBBS कोर्स. तो आपको तीन फेज के अंदर $75,000 सबमिट करने होंगे इंस्टीट्यूट में. तो ये मुझे लगता है कि मैंने आपके कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और अब आप भी जान गए होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम जवाब दिया है. मैंने आपको कोशिश की है कि आपके मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ और मेरे से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने जल्दी से जल्दी उससे कई लोगों को मैसेज करके भी जवाब दिया और कई सारे लोगों ने मुझे ईमेल किए थे, व्हाट्सएप किए थे. तो मुझे लगता है कि मैंने उनके सारे क्वेश्चन के आंसर दे करके उन्हें जस्टिफाई किया होगा और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि मैंने आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा और अब आप भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को जानने के बाद और अब आपके सारे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गए होंगे डिफरेंट क्वेश्चन से रिलेटेड और अब आप भी इस सब के बारे में पूरी नॉलेज रख रहे होंगे. लेकिन इन केस अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है और अगर इन केस आपको लगता है कि आप अभी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है. साथ ही साथ में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा हुआ है. साथ ही साथ में आप हमारे वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं. हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इन तीनों मीडियम के थ्रू कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए और ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके के और सेशंस बना करके जल्दी से जल्दी आपको आपका प्रेफर्ड और फेवरेट ब्रांच और फेवरेट कॉलेज मिल जाए. यही हम होप करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर भी करेंगे ऐसे ही फ्यूचर में. सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल. थैंक यू.